हेलो एवरीवन, दिस इज रामकेवल एंड यू वाचिंग स्किट्सल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन में ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब टू के बारे में। एडवर्ब टू को हम यूज भी करते हैं और रिमूव भी करते हैं, तो पहले हम उसको रिमूव करना सीखेंगे, फिर हम यूज करना सीखेंगे, ठीक है। ये पार्ट वन है एक तरह से। तो यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में हम एडवर्ब टू को रिमूव करना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो सवाल ये आता है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करना मतलब एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देना बिना उसके मीनिंग को बदले। मतलब कि भाव वही रहेगा, मीनिंग वही रहेगी, मतलब वही रहेगा, बस उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, तो दिखने में अलग लगेगा सेंटेंस, ठीक है। कैसे करते हैं, तो उसमें पहला नियम हमारा है, अभी हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, ठीक। यूज को हम बाद में देखेंगे। कैसे रिमूव करते हैं, तो इसमें इसके लिए हम आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूप में एकदम लिख करके बता रहे हैं। देखिए होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर हमारा एडवर्ब टू आता है, ठीक है, फिर एक एडजेक्टिव रहता है, एडजेक्टिव या फिर पार्टिसिपल भी आ जाता है, फिर इन्फिनिटिव टू आता है। दो टू आते हैं, एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू। उसके बाद हमारा वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है एक सेंटेंस का टू के साथ, किसके साथ, टू के साथ। तो जब हम चेंज करते हैं, एडवर्ब टू को हटाते हैं, यानी कि इसको हटाते हैं, तो इसको भी हटाते हैं, इसके स्थान पे हम लिखते हैं सो। क्या लिखते हैं, सो लिखते हैं, यानी कि ये सेम रहता है, ये भी सेम रहता है, ये सो में बदल जाता है, फिर ये भी सेम रहता है, ठीक है। इसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं, दैट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में, ठीक है, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या फिर कुड प्लस नॉट, और फिर हम इसको यहां पर भी फर्स्ट लिख देते हैं, बस यही करना है। मतलब कि ये पोर्शन जो है इतना सिर्फ और सिर्फ इसके स्थान पे आता है, टू के स्थान पे इतना कुछ लिखना है, और अगर यहां पर नॉट टू है तो देखिए नॉट ये है कि यहां नॉट नहीं रहेगा तो यहां रहेगा, और यहां मतलब यहां आ गया तो यहां से हट जाएगा, बस इतना सा रूल होता है। सेंटेंस के थ्रू मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, जैसे अगर ये लिखा हो कि ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, ठीक। वर्ब इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जोड़ लीजिए यहां पर, देखिए पहले आपका सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एडवर्ब टू, फिर एडजेक्टिव, फिर इन्फिनिटिव टू, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, जो भी चीजें आती हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों चीजें, सब्जेक्ट सेम रहेगा सब्जेक्ट लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब रहेगी हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, ये टू बदलेगा, टू को किस में बदलेंगे, सो में बदलेंगे। बहुत आसान है, एकदम आसान, इसे आराम से बदल लेंगे आप, बस देखते रहिए। सो में बदल गया, एडजेक्टिव सेम रहेगा यानी कि पुअर ऐसे ही रहेगा, इसको बदलना है, दैट सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर कैन या कुड, अगर प्रेजेंट में है तो कैन, पास्ट में है तो कुड, प्रेजेंट में है देखिए इज आया है ना, इज है यानी कि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट है तो कैन लगा देंगे, नॉट यहां नहीं है, यहां नहीं है, ठीक है, यहां नहीं है तो यहां लगा देंगे, अगर होता तो नहीं लगाते, नॉट, फिर वर्ब by a car, है ना सिंपल। देखिए अगर नॉट हो, यहां नहीं है तो यहां लगेगा, अगर यहां पे है तो यहां नहीं लगेगा। जैसे अगर एग्जांपल देखते हैं कि लिखा है ही इज, चलो इजी लिख देते हैं, इज फादर कर देते हैं, इज फादर इज टू वीक, ठीक है, His father is too weak
not to sleep. ठीक, sleep, sleep, sorry. ठीक, उसके पिता इतने कमजोर है कि वो सो नहीं पाते. इसको क्या करेंगे, यहां पे नॉट आया हुआ है तो यहां नॉट नहीं लगाएंगे. His father is, टू को बदलेंगे सो में, सो वीक और नॉट टू वही रहेगा. दैट हिज फादर ही हो जाएगा. ही कैन होगा क्योंकि प्रेजेंट है. स्लीप, ठीक, वो कमजोर है इसी सो सकते हैं. इस तरह से बनाएंगे. अगर नॉट नहीं है तो लगाएंगे, अगर नॉट है तो नहीं लगाएंगे. बस इतनी सी बात है. आगे बढ़ते हैं. अगर प्रेजेंट में है तो कैन लगाएंगे, अगर पास्ट में होगा तो हम कुड लगाएंगे. जैसे अगर यहां पर मैं कहूं कि अगर वाज है, जैसे एक एग्जांपल में लिखी दे रहा हूं, जैसे दिस बुक, मान लीजिए इस तरह से है, दिस बुक वाज, या दिस नहीं दैट हो जाएगा यहां पे, दैट बुक वाज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो देखिए क्या होगा, दैट बुक वॉज तो रहेगा ही, टू बदल जाएगा सो में, सो डिफिकल्ट, ठीक है. दैट इसके स्थान पे हम क्या लगाएंगे, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो जाएगा इट, ठीक. अब देखिए ये पास्ट टेंस में है तो हो जाएगा could not be, could not be understood, ठीक. अब जो भी चीजें यहां पर आई हैं उसको हम अलग से देखेंगे कि be क्यों आ गया. यहां पर could होगा, इतना जानिए आप. be इसलिए आया है क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब निर्जीव सब्जेक्ट होगा, यही हमारा नेक्स्ट रूल था कि जब निर्जीव सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि जैसे यहां पर निर्जीव सब्जेक्ट आया ना द बुक, तो हम सब्जेक्ट इट लगाएंगे और बाकी सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि बी लगा देंगे. कैन नॉट के साथ बी लग जाएगा. चलिए बताते हैं आपको, उसको डिटेल करके बताते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से. नॉर्मल सेंटेंस से थोड़ा सा अलग यही है सेकेंड रूल हमारा. सेकेंड रूल क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा कोई निर्जीव वस्तु है, ठीक, निर्जीव है, तो हम दैट के बाद यहां पर क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, और कैन नॉट के बाद यहां पर हम बी लगा देंगे, ठीक है. सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इट, और कैन नॉट के बाद बी लग जाएगा और ये हो जाएगा वी थ्री, यानी कि पैसिव में चेंज हो जाएगा सेंटेंस पूरा का पूरा. ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है पैसिव में बदल जाएगा. जैसे अभी मैंने लिखा था ना द बुक, तो उसके स्थान पर ये लिख देते हैं कि द कार इज टू कॉस्टली टू बाय, ठीक है, बहुत महंगी है कार. तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए द कार, ये कुछ नहीं बदलेगा, इधर इज भी रहेगा. टू को बदलेंगे हम सो में, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि टू को बदलेंगे सो में, कॉस्टली यानी कि एडजेक्टिव भी रहेगा सेम टू सेम वैसे का वैसे. उसके बाद हम क्या करेंगे, टू को बदलेंगे, टू के स्थान पे हम इतना कुछ लगाते हैं तो दैट लगाएंगे. सब्जेक्ट के स्थान पे इट लगाएंगे क्योंकि निर्जीव चीज आया हुआ है, तो इट हो गया दैट इट. अब कैन नॉट कुड नॉट प्रेजेंट में है तो कैन पास्ट में है, तो कुड तो प्रेजेंट में है, तो इट कैन नॉट यहां नहीं है यहां तो नॉट लगा देंगे. इट कैन नॉट बी हो जाएगा, बॉट होगा पैसिव सेंटेंस, कैन नॉट बी बॉट, ठीक. तो ये हमारा रूल हो गया कि V3
बी प्लस बी थ्री पैसिव वॉइस में ही आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, समझ लीजिए कि पैसिव में बना दिया, पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब सब्जेक्ट निर्जीव होगा तो हम दैट के बाद वाले क्लास में सब्जेक्ट इट बनाएंगे और बाकी सेंटेंस को पैसिव में कर देंगे, यानी कि बी प्लस बी थ्री हो जाएगा। कैन नॉट कुड नॉट आ रहा था, कैन नॉट के साथ हम बी लगा देंगे, बी थ्री लगा देंगे। ये हमारा दूसरा रूल हो गया नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा हट के, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अभी तक निर्जीव चीज आ रहा था, निर्जीव सब्जेक्ट यहां पर आ रहा था, यहां पर क्या आ रहा था, निर्जीव आ रहा था, तो हम यहां का सब्जेक्ट जो था वो इट लगा रहे थे। लेकिन अब क्या है, यहां पे यहीं पे इट आ गया, मान लीजिए ये सब्जेक्ट क्या है वो इट आ गया, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या होगा, यहां पे आ जाएगा वन या वी सब्जेक्ट के स्थान पे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस इतना सा काम होगा, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल, इट इज टू टफ, इट इज टू टफ टू डू, ये काम बहुत ही टफ है, कठिन है करने में, क्या हो जाएगा, इट इज सो टफ, सो में बदला ये तो रहेगा ही, अब टू के स्थान पे हम दैट सब्जेक्ट क्या करेंगे, दैट वन या वी, ठीक है, वन या वी कैन नॉट डू, ठीक है, कैन नॉट डू, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रूल की तरफ देखते हैं, अगला रूल क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर कोई निर्जीव चीज है सब्जेक्ट के रूप में, तो हम इसको हम क्या कर रहे थे, पैसिव वॉइस में बदल रहे थे, ठीक। होता क्या है, कब अगर तीसरा रूल हमारा ये है, नेक्स्ट रूल कर लीजिए, तीसरा या चौथा जो भी है, अगर पहला सेंटेंस जो है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, पैसिव में है, तो भी वही रूल होगा, तब भी ये सेकंड जो है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है पैसिव में ही करेंगे, यानी कि कैन या कुड के साथ बी लग जाएगा, ठीक। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है द बुक इज टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड, ठीक, इस तरह से अगर द बुक इज टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड, अब पैसिव में है पहले से ही, टू बी पहले ही आ गया है, तो उसको पैसिव में ही रखेंगे, द बुक इज टू बदल जाएगा सो में, सो डिफिकल्ट, इस तरह से बाकी चीज वही रहेंगी, टू कॉम दैट, अब चूंकि निर्जीव चीज है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट इट बनाएंगे, दैट इट कैन नॉट बी, दी यहां भी लगाएंगे, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ओके। बस पैसिव में है तो पैसिव में ही बना देंगे, वही चीज है पहले वाला था, अगर पैसिव में था जो बी लगाते हैं, पैसिव होने का मतलब क्या है कि बी प्लस वी थ्री आना चाहिए, बी प्लस वी थ्री ही याद रखेंगे आप तो काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ और समझते हैं कि और क्या क्या चेंजेस होती हैं, कैसे बदलते हैं। अगला रूल है, अगर यहां पर देखिए एडजेक्टिव के बाद ही यहां पर फॉर प्लस कोई सजीव ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई सजीव ऑब्जेक्ट दिया हो, सजीव ऑब्जेक्ट इन द सेंस कोई नाम,
ठीक है, कोई नाम जैसे राम, श्याम, या फिर ऑब्जेक्ट आ गया मी, हिम, हर, यू, देम या फिर अस, ये सब आ गया, तो इसको हम सब्जेक्टिव केस में कर लेते हैं। और फार जो है, फार को हम यूज नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, फार को यूज नहीं करते हैं। और अगर ये वर्ब, जो वर्ब है यहां पर, अगर वर्ब आता है, वर्ब हमारा ट्रांजिटिव में रहता है, ट्रांजिटिव में रहता है, तो हम लास्ट में ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं इट, तो ऑब्जेक्ट हम इट जोड़ते हैं, ये नियम याद रखिएगा, ये है, और ये सब्जेक्ट बनेगा, बाकी चीजें पहले जैसी रहेंगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर लिखा हो कि मान लीजिए द सिचुएशन इज टू डेंजरस फॉर मी टू हैंडल, ये है फॉर मी आ गया, ठीक। क्या करेंगे, देखिए द सिचुएशन, पहले बाकी चीजें वैसे रहेंगी, द सिचुएशन इज टू को बदलेंगे सो में, टू किस बदलेंगे सो में, डेंजरस रहेगा ही, एडजेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, टू के स्थान पे दैट लगाएंगे, मी को ही सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो आई कैन नॉट हैंडल, अब हैंडल के बाद इट जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, यही है, ठीक है, इट आएगा, ओके। तो ये आपको समझना होगा, बस यही चीज थी। मेन चीज क्या है कि अगर आप देखिए, पहले सेंटेंस दिया हुआ है एडवर्ब टू के साथ पॉजिटिव है तो उसको हम निगेटिव बदलते हैं, अगर यहाँ पर निगेटिव दिया हुआ है यानी नॉट आया हुआ है तो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, कहीं पे नॉन लिविंग थिंग है, सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग थिंग आ रहा है, ठीक, तो क्या करेंगे हम, दैट के बाद हम यहाँ पर इट सब्जेक्ट बनाते हैं, अगर यहाँ पर इट आ गया तो यहाँ पर हम वन या वी कर देते हैं, ये सारी चीजें हैं, आपको समझना होगा। सेंटेंस पैसिव में बदल जाता है, अगर पैसिव में है तब भी पैसिव में ही रहता है, और ये है कि अगर जो है फार मी आ गया या फार के साथ कोई भी सजीव प्रोनाउन आता है, कोई भी सजीव चीज, तो हम क्या करते हैं उसी को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लेते हैं और लास्ट में इट हम जोड़ देते हैं, अगर ट्रांजिटिव वर्ब रहा तो, ठीक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते रहिए, कन्वर्ट करते रहिए, टू को हटाइए, सो को लगाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।